नमस्ते दोस्तों, शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल ब्लॉग्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पीछे हमने आपको बनारस की धर्म से ओतप्रोत विश्वनाथ धाम की बहुत सारी झांकियां दिखाई। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बहुत ही अच्छा भव्य बन चुका है और फेज़ टू अभी उसका तैयार हो रहा है और चंद दिनों में वो भी तैयार हो जाएगा। तो फेज़ टू के बहुत सारे वीडियो हमने आपको दिए और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सब वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और जिन्होंने अभी नहीं देखा है कृपया मेरे चैनल पर जाएं और वीडियोस के श्रृंखला में आप काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के सभी वीडियो पाएंगे। साथ खिड़किया घाट और पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर जैसे महत्वपूर्ण वीडियो भी आपको मिलेंगे। तो काशी नगरी अद्भुत है और काशी में एक अद्भुत आयोजन जो वर्ष 1991 से प्रारंभ हुआ वो है गंगा आरती। काशी की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, पवित्र गंगा नदी की एक झलक पाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इसके साथ गंगा आरती में भी शामिल होते हैं। और ये जो आरती का समय होता है वो जयकारे, ढोल नगाड़े की गूंज और आरती की मधुर ध्वनि आपको अपलक निहारने को मजबूर कर देता है। तो ऐसे अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए दोस्तों हम आपको ज़्यादा इंतज़ार या वेट नहीं कराएंगे और आपको ले चलते हैं सीधे गंगा आरती की तरफ। चैनल पर बने रहिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करते समय जो घंटी के आकार का बटन आए उसको ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाइए। तो आइए चलते हैं गंगा आरती की ओर। तो गंगा आरती में आज कितनी भीड़ है उसका हम आपको इस दृश्य दिखा रहे हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा भीड़ है गंगा आरती में आज। ओ भाई साहब, और ये देखिए गंगा मार्ग से, नदी मार्ग से लोग चढ़े चले आ रहे हैं। ये हमने आपको पूरा व्यू दिखाया, अब आप देखिए पीछे की तरफ, पीछे उधर गंगा द्वार है, काशी विश्वनाथ धाम का गंगा द्वार उधर है और वो मालवीयपुर भी आप देख पा रहे हो ऐसा हमारा विश्वास है। और वहाँ से हम आपको पूरा सीप दिखाते हैं माँ गंगा का। ये देखिए ये पूरा माँ गंगा का अर्धचंद्राकार स्वीप, ये देखिए। और ये पीछे मंच भी दिख रहा है जिस पर बटुक लोग गंगा आरती करेंगे अभी थोड़ी देर में और वो भव्य आरती हम आपके सम्मुख लेकर आएंगे। तो ये है दोस्तों, ये नज़ारा है आज की भव्य गंगा आरती का। बने रहिए चैनल पर शेखर्स एजुकेशन ट्रैवल व्लॉग्स। यदि सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। चलिए चलिए आगे भैया। और ये देखिए दोस्तों अलकनंदा क्रूज इस बीच में गुजर रहा है, दशाश्वमेध घाट के ठीक सामने से गुजरता हुआ अलकनंदा क्रूज, पूरी लाइटें उसकी जली हुई हैं, कितना सुंदर दिख रहा है। और ये 80 घाट से अभी राजघाट की तरफ जा रहा है, ये देखिए। अलकनंदा के बगल में ये छोटी नाव एक अद्भुत छटा प्रस्तुत कर रही है और आसमान में उड़ती हुई पतंगें, ये देखिए। एक पतंग कटकर माँ गंगा की गोद में समा गई, ये देखिए। डैडी, डैडी,
दोस्तों ये आरती अब शुरू होने वाली है। देखिए बटुक आ गए हैं और अलग अलग मंचों पर आसीन हो रहे हैं एक के बाद एक। अभी मुख्य पूजा कर रहे हैं और उसके बाद ये अपने अपने मंच पर आ जाएंगे। अभी सभी दर्शकों को एक व्यवस्थित तरीके से बैठने को कहा जा रहा है माइक से। देखिए एक और सजी हुई नाव गंगा में बोटिंग। कितनी भीड़ है, देखिए घाट की तरफ भी सीढ़ियों पर लोग खड़े होकर देख रहे हैं। ये माझी बंधु कृपया ध्यान दें, माझी बंधु कृपया ध्यान दें, जहाँ पे पूजन होती है वहाँ किनारे में कोई भी नाव खड़ी नहीं होगी। जहाँ पे पूजन होती है वहाँ से आप सारे लोग अपना नाव धुआ पीछे कर लें। ये माझी बंधु कृपया ध्यान दें, जहाँ पे पूजन होता है यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी नाव को अपने आप धुआ पीछे कर लें। Come on.
Thank you.
वीडियो की समाप्ति पर आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे अच्छे नए नए वीडियोस के अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन्हें देख सकें। और कमेंट ज़रूर दीजिए, आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारे वीडियो कैसे हैं और वीडियोस में क्या इनपुट आपको और चाहिए। उस हिसाब से हम आपके मन माफिक, आपकी इच्छा अनुसार आपको कंटेंट दे सकते हैं। तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स रहता है हर वीडियो के नीचे, कमेंट्स का बॉक्स रहता है उसमें दीजिए, लाइक ज़रूर करिए। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप सबके समर्थन से मेरे चैनल पर जो थैंक्स का बटन है वो भी ऑपरेशनल हो गया है। तो जो लोग थैंक्स देना चाहें तो थैंक्स का बटन दबाकर वहाँ से थैंक्स भी दे सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग कर सकते हैं कृपया थैंक्स भी ज़रूर करिए, उससे हमारा उत्साहवर्धन होगा। तो विदा लेता हूँ इस प्रॉमिस के साथ कि फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे।